टाइम हो गया है कुत्तों को नीचे खिलाने का, आज मेरा पति मेरे साथ जाएगा कुत्ता खिलाने। चलो नहीं नहीं आज भी नहीं, पति के पैर में बहुत दर्द है बेबी, इतना मारूंगी ना। यार हर काम को नकार देता है, बीवी कर रही है पूरी मेहनत और पति क्या कर रहा है, मेरे को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बैठा हुआ है बस। बैक टू आवर चैनल। आवाज से आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को हो चुका जुकाम। जुकाम के लिए मैं अमिता से पूछ रही हूँ कि तेरे को कितना टाइम लगा था। अमिता कह रही है 2-3 दिन तो देखो लगे थे। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्टीम वगैरह ले लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अविनाश के साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि अविनाश को तो करना ही होता है। मैं तो अपना कर चुकी हूँ, मैंने बॉइल्ड एग्स खा लिए घर में, बट अविनाश को तो कह रहा है वो बाहर ही करेगा ब्रेकफास्ट। मैं ठीक है बाहर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर मैं जिम चली जाऊंगी। और ये रहा अविनाश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से अपनी बीवी को कन्विंस कर लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर, और उसका जो एक्सरसाइज है उसको कैंसिल करवा दिया है। कैंसिल नहीं कराई, मैं लेट करी है अब। चलो ठीक है। और ये बेबी अभी तक मेहंदी चढ़ी हुई है, देख लो पति कितना प्यार करता है, देख लो बेबी तुम कितने छोटे हो। छोटे आज मैंने नया टॉवल यूज किया तो इससे फटाफट अपना नया टॉवल निकाला है, यूज किया है, करा की थी तुमने, सच बताओ। मैं 2 दिन से देख रहा था, येलो रखा है ब्लू रखा है, येलो रखा है ब्लू रखा है, आज मैंने देखा येलो गायब है, मैंने कहा मतलब अच्छा आज यूज हुआ है, आज मैं भी ब्लू यूज। मेरा गुलगुल्ला अपना टॉय लेके बैठा है, मेरा छोटा गुलगुल्ला बुलबुल्ला, वो कहाँ है? अरे एक चौथा कुत्ता गायब है। अमिता कहाँ है? नीचे गया। अच्छा नीचे एक्सरसाइज करने गया, उसकी तो कल थी ना ट्रेनिंग। नहीं आज भी आया। आज भी आया, देखती हूँ नीचे पकड़ती हूँ। चलो चलो बेबी। मुझे कोको नीचे आया ट्रेनिंग के लिए, छुप के देख रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग कर रहा है वो। क्लास चल रही थी ना कोको, इसलिए आपको तंग नहीं कर रहे थे। ओए हेलो, अरे मत बोलो ना। अच्छा आप जाओ, स्टे स्टे गुड सैल्यूट, गुड बॉल। अरे डाउन 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 डाउन, यस यस यस, गुड बॉल, फ्लैट रोल, नो फ्लैट रोल। अरे गंदा लग रहा है। यहाँ पे आती हूँ जब मेरी फिजियोथेरेपी के लिए, तो जब भी नीडलिंग होती है ना, जैसे आज मेरे को कम नीडल्स लगी है, तो जब भी नीडलिंग होती है ना, तो मेरे को ना बरगलाने के लिए वो बताती है डॉक्टर की ना, आप किसी से बात करो। तो एक पर्टिकुलर लड़की है, तो जो जब भी मुझसे बात करती है ना, वो सिर्फ मेरे नेल्स की बात करती है। आपको वाओ आपके नेल्स कितने अच्छे हैं। मैंने यार कोई तो नया झूठ लेके आओ यार, वही पुराने झूठ पेलती रहती है मुझे, वही पुराने झूठ। ओ आपके ना वो बड़े अच्छे लगी थी, रील बहुत अच्छी लगी, रील देखी नहीं होगी। ओ आपके नेल्स इस बार तो बहुत अच्छे हैं, तो इस बार चेंज हुए हैं, वरना हर बार सेम ही होते हैं। और वो सेम नेल्स बोलती हूँ, वाओ आपके नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, सेम झूठ। आज मैं जिम तो आ गई, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हुई मुझसे देखती हुई। मैंने ना स्टीम ले ली, थोड़ा 5 मिनट ट्रेडमिल पे चली, फिर नहीं हुआ, मैंने कहा स्टीम लेती हूँ शायद थोड़ा बेटर लगे। अब और बुखार लग रहा है। एक्चुअली ना जुकाम स्टार्ट हो गया होना, मतलब बहना, तो जैसा भी अब जो है देखो दुनिया, वो तो होगी होगी, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल दिवाली की लाइट्स आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी लग चुकी हैं, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये फ्रेश है ना एकदम? ठीक है, किस पे लिखोगे? चॉकलेट स्लैब पे लिख के इसके ऊपर रखूंगा। अच्छा ठीक। तो यार चिराग का बर्थडे है, तो मैं सोचा मैं केक भी ले लेती हूँ, इन्होंने तो कुछ मंगाया नहीं होगा, लेकिन ऐसा घर पे कुछ लंच वंच तो ये लोग कर रहे हैं जो मुझे पता नहीं मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है। एटलीस्ट बर्थडे तो उसका लड़के का सेलिब्रेट कर लूं। आई थिंक अविनाश ने कुछ तो गिफ्ट मंगवाया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, बट केक मैं लेके जा रही हूँ जो उनको पता नहीं है। और छोटा केक इसलिए लिया क्योंकि हम में से कोई भी खाएगा नहीं, आई डोंट इवन चिराग इट्स। लेकिन एक दोस्त का बर्थडे है, पीछे रखवा दो जी, इधर दे दो इधर, मिलती हूँ आपको घर पे। अरे चिराग चला गया क्या? मैं तो उसके लिए केक लेके आई थी। अरे तो बताना तो चाहिए, मैंने सरप्राइज दूंगी। वो कहाँ चला गया, कहाँ गया वो? घर गया। तो जी दोस्तों, आज मेरे दोस्त चिराग का बर्थडे था, वो घर पे आया हुआ था, संभावना जिम गई हुई थी, और संभावना को लगा वो अभी भी घर पे है, बट वो फिर हम दोनों ने काम खत्म कर लिया, वो घर चला गया, और संभावना केक लेके आई और वो जा चुका है। तो संभावना का पहले कट गया, अब केक कटेगा।
तो अब चिराग का केक हम दोनों काट रहे हैं। चिराग, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ओके काटेंगे। और उसकी सीधा फ्लाइट है इसलिए वो आ नहीं पाएगा। हाँ चिराग जा भी रहा है। अमिता आजा बेटा, केक काट के खा जाए। आ बेटा, तेरी प्लेट का है, तेरे को पता तेरे बिना केक नहीं कटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिराग, हैप्पी बर्थडे। दुनिया का पहला बर्थडे है जिसमें बर्थडे बॉय नहीं है, उसके बर्थडे का केक बाकी लोग काट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। कोई बात नहीं, जिए हजार साल यार, हमें क्या करना। जा तू जी ले हजार साल, जा हमारे तो पैसे गए ना। महंगा केक लाई हूँ। वाह भाई, बड़ा बड़ी केक। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपको पूछा भी था कि क्या मैं कुकिंग स्टार्ट करूं, क्या करूं। आपने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया था कुकिंग ब्लॉग्स शुरू करने के लिए, तो मैंने उसके लिए ना कुछ बर्तन मंगा लिए हैं और दिवाली के टाइम पे आ भी गए हैं। देखो तो मैं आपको ना बर्तन दिखा देती हूं और इसमें होगी नई कुकिंग। तो जो भी मेरे अगर कुकिंग ब्लॉग्स नए आए और जब भी आए वो इन्हीं बर्तनों में आएंगे, दिखाती दोस्तों। तो सबसे पहला बर्तन मेरा ये रहा, देखो ये कढ़ाई है। कैसा लगा बेबी? देखो बर्तन की तो मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसकी गहराई बहुत है, डेप्थ बहुत है इसके अंदर। तो एक बर्तन तो हो गया जी ये, और इसका ना साथ में देखो कितना अच्छा हैंडल है, कितना अच्छा ये है, छोटा सा चुलचुला। चुलचुला क्या होता है? वही चुलचुला ही होता है, समझना समझ गए होंगे। एक ये कढ़ाई मंगाई थी दोस्तों मैंने, एक ये मंगाया है। अगर मैंने आपको बिरयानी खिलानी हुई तो बिरयानी इसे बन सकती है। कैसे लगा? बहुत बढ़िया। ये बिरयानी के लिए अरे बर्तनों में इन्वेस्ट किया भाई मैंने। मेरे कुकिंग ब्लॉग अब आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे फिर। तो ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्ट ही हो गया है सिर्फ? नहीं नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगा। नहीं नहीं होगा होगा। देखो ये, देखो ये अगली है। अरे वाह, इसमें क्या बनता है? कुछ भी बन सकता है। सूप, दाल, सब्जी, रोटी भी, सब्जी। ये शेफ पे मुझे शक है, इसमें रोटी बनाने की बात करता है पागल। तीसरा है दोस्तों ये, एक चौथा मतलब ये इसी का बच्चा है, इसने बच्चा दिया था वो ऐसा निकला। वो कैंडी है, ये चुनचुन है, लेकिन ये कांच का है बेबी, ये भारी वाला है बर्तन और ये काफी हैवी भी है। अच्छा, अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अब मेरे कुकिंग ब्लॉग ऐसे आएंगे ना दोस्तों। इतने नहीं, वादे नहीं, वादे नहीं, ठीक है वादे। इतने बड़े बड़े वादे नहीं। एक मैंने ब्लेंडर मंगवाया है, करके दिखाइए, बातें नहीं। ये मैंने ब्लेंडर मंगवाया है, ब्लेंडर नहीं ब्लेंडर। कैसी है? मुझे क्या पता, मैंने कभी यूज ही नहीं किया। हाँ या ना तो बोल दो, दिखता रहा है आँख से तो दिख रहा है। मुझे तो लग रहा लट्टू चला रही हो। और ये मंगवाए हैं कुछ, ये भगोने हैं, भगोने। और ये है स्पैटुला दोस्तों, एक ये ऐसा वाला स्पैटुला है और एक ऐसा वाला है कड़छी की फॉर्म में। तो जो भी बर्तन है ना, अगर मैंने जैसे कुछ बनाया, अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ तो इसमें कितना अच्छा दिखेगा क्लोजअप शॉट। अब मैं बनाऊंगी, अब देखो। वादे नहीं, वादे नहीं, वादे नहीं, वादे नहीं, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। एक सेकंड, बोलेंगे नहीं। अगर बोला ही नहीं होता तो ये आता कैसे? नहीं नहीं, ये आए हैं इसीलिए आए हैं ताकि मैं बनाऊं कुछ कुकिंग ब्लॉग्स बनाऊं। नाउ नो वर्ड्स ओनली एक्शन। क्या खाना चाहते हो पहले बताओ? गाली खिला दो, लात खिला दो, क्या क्या खाना है, मन क्या है? कसम खिला दो, हवा खिला दो, यही सब है। तू बता तेरा क्या खाने का मन है? दीदी मैं तो कुछ भी खा लेती हूं भैया। आज तो अमिता डांट खा ले। तो मैंने ये बर्तन मंगाया है, जितने मंगाए, एक दो तीन चार पाँच छह सात चीजें मंगाई हैं। और तो नहीं है कोई अमिता? औरतें भी हैं? औरतें नहीं, और तो नहीं है। तो ये हमारे बर्तन थे दोस्तों। अब इसमें ना बिरयानी जब मैं बनाऊंगी, ये देखो। अच्छा, बोलना नहीं, बोलना नहीं, करके दिखाना है। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे दोस्तों। इसमें तैयार है हमारी क्या बिरयानी। इमेजिन करो, अभी तो सिर्फ इमेजिन करो। नहीं नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। जब बिरयानी मैंने बना दी ना, अगर आपने तो अभी खाई नहीं है मेरे हाथ की बिरयानी, मैंने बिरयानी बनाई नहीं है तो खाओगे कैसे? अब बनाऊंगी मैं, और अब देखो मैं क्या करती हूँ बिरयानी के साथ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं करना। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। देखो ना बॉब द बिल्डर, वो अपनी गेंद ले आई है चले बाहर। तो दोस्तों बर्तन हमारे आ चुके, इसी के साथ टाइम हो गया है कुत्तों को नीचे खिलाने का। मैं खिला के वापस आती हूँ दोस्तों। आज मेरा पति मेरे साथ जाएगा कुत्ता खिलाने। चलो। नहीं नहीं, आज भी नहीं, पति के पैर में बहुत दर्द। बेबी इतना मारूंगी ना। आ यार, हर काम को नकार।
काट देता है। बीवी की तबीयत खराब है, बीवी इधर भाग रही है, बर्तन खरीद रही है, बीवी कर रही है पूरी मेहनत और पति क्या कर रहा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बैठा हुआ है बस। अच्छा काम नहीं किया मैंने सुबह से, काम किया लेकिन ठीक है, मेरा काम तुम कर दो, स्टोरी लिख दो एक, मैं फिर तैयार हूँ स्टोरी के लिए, बताओ स्टोरी लिख दो, एक हॉरर फिल्म लिखनी है, बताओ कहानी बताओ, हॉरर फिल्म है, चलो तुम सोच लो, जाओ नीचे खेल लो और फिर लेके आओ एक हॉरर फिल्म की कहानी मेरे लिए, हॉरर की फिल्म मेरे, औरत की नहीं हॉरर की, हॉरर को देखो ऐसा है नहीं, अभी तुम सोच के बताना, फालतू स्टोरी नहीं, ओके टाटा बाय बाय। कुछ आया है दिवाली गिफ्ट, पहला दिवाली गिफ्ट इन दी हाउस, पहला दिवाली गिफ्ट लायंस गेट की तरफ से आया, वाह हाँ तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई मेरी आंखों में, अच्छा और मेरी खुद की बढ़ गई है मेरी आंखों में, मेरे लिए किसी ने नहीं भेजा, हमारे लिए बेबी, हमारे लिए कहा, तुमने काम किया लायंस गेट के लिए, कौन सा ने किया सी? नौ सिखिए, अच्छा ये नौ सिखिए के लिए आई है, नौ सिखिए के लिए नहीं आई, दिवाली के लिए आई है, हाँ मतलब नौ सिखिए जिनके लिए लिखी है उनकी है ये, ओके फिल्म कब आ रही है, फिल्म भी आ जाएगी जल्दी, लेट्स ओपन इट, ये आया पूरा गिफ्ट तुम्हारा, थोड़ा तमीज से खोल दोगी तो अच्छा लगेगा, वेरी नाइस, दिस इज फॉरेस्ट एसेंशियल का आया भाई कुछ सामान, ये तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए हो गया ये, साबुन आया है, मसाज ऑयल है, बॉम वॉम कुछ लग रहा है, पहला ही गिफ्ट मेरे लिए, बोलो उनको पता था क्या मेरे लिए भेज रहे हैं, कितने पगले लोग है, काम पति से कराया गिफ्ट बीवी के लिए, चलो ये पहला गिफ्ट है, कहाँ है इसका डब्बा, इतना भी काफी था, और इससे ज्यादा क्या भेज दिया है, इसमें बोलते हैं दोस्तों, ओ स्वीट्स आया है, दिवाली की मिठाई आई है, चिंचोन आपके लिए नहीं है बेटा, चिंचा ओ लड्डू, ओ चिंचा खा जाएगी, ओ लड्डू लड्डू, एक और कुछ है, ओ कारवा मिनी, अरे वाह स्पीकर आया है भाई, गाने सुन सकते हो, यहाँ ना एक वो होता है इसको धीरे से इतना करते हैं ये खुल जाता है, पता है ये क्या खुल गया, क्या खुला, नहीं नहीं फाड़ना नहीं है, खुलता है ये, इसको फिर ऐसे खोलते हैं बिना फटे खुल जाता है, पता है, हाउ नाइस, रुको रुको फाड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, खुलेगा, ये आया है आपको कारवा स्पीकर, ये क्या है मतलब इसमें गाने हैं, गाने हैं, एफएम रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर, लवली यार, सच लवली हैम्पर है ना, और आया है लास्टली, ओ ये भी मेरे को लग रहा है फॉरेस्ट एसेंशियल का, ये ऐसा लगता है मुझे, फिल्टर कॉफी, ओ वाह फिल्टर कॉफी मुझे बहुत पसंद है पता है, लेकिन हमेशा भूल जाता हूँ, अरे यार कितना प्यारा है बेबी, लवली यार कितना प्यारा सेट है फिल्टर कॉफी का, वाओ चीयर्स, कॉफी मेकर, आता है तुम्हें बनाना, नहीं सीख लेंगे, चलो वेरी नाइस, अब इससे लग रहा है कि दिवाली आने वाली है, अब लग रहा है दिवाली का माहौल बन रहा है, थैंक यू सो मच लायंस गेट इंडिया, थैंक यू सो मच मृणालिनी विदुषी रोहित एवरीबडी फ्रॉम लायंस गेट टीम फॉर दिस लवली दिवाली हैम्पर यार, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बढ़िया हैम्पर लगा, बहुत ही प्यारा था, हैप्पी दिवाली टीम ऑफ लायंस गेट को, सभी लोगों का हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की तैयारी अब तो शुरू हो गई है, अब ऐसा फील भी आ रहा है, थैंक यू सो मच, तो जी चेंज वेंज मैंने कर लिया है, आवाज तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, मतलब आवाज ही बेबी चेंज हो गई है, और मेरे इतनी नाक बह रही है ना, इतना अंदर जुकाम हो गया कि क्या ही गया ब्लॉग में बताने को कि नाक बह रही है मेरी, वो स्टोरी का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी हॉरर वाली, अभी जो वो नहीं हो पाया, मैं आज रेडी नहीं हूँ स्टोरी के लिए, क्यों बनाओ एक फटाफट हॉरर स्टोरी चाहिए मेरे को अभी, तो मतलब उसके लिए मूड होना चाहिए ना, अभी मूड नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, रात भर का टाइम है, कल सुबह उठते हॉरर स्टोरी, मैं कोशिश करूंगी, मेरी तबीयत ठीक होगी तो कल एक नई स्टोरी आपको आपके सामने पेश करूंगी, आपके सामने लेके आऊंगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा, इस समय तबीयत ठीक नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं है, देखो आवाज सुन रहे हो पता लग रहा है, तो तुम इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हो कि मेरे साथ क्या करना रात को, मतलब जो मेरे को जो विक्स लगानी है, नहीं कोई दवाई लगानी, कुछ भी लगा लो तुमने रात को, एसी -4 degrees पे चलाना है, एकदम झूठ, झूठ का पुलिंदा है आदमी, दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप प्रे करिए कि मेरा जुकाम ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि अभी भी घर की तो बहुत सारी क्लीनिंग बाकी है दोस्तों, अभी तो आधी हुई है, मतलब ये कह सकते हो कि 40% हुई है, आधी भी नहीं, 60% भी रहती है, तो दोस्तों आपको मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एंटरटेनमेंट, और ज्यादा बीमार बता के बता रही हूँ ना, एंटरटेनमेंट कैसे समाउना नहीं, एंटरटेनमेंट कोको व्हाट इज पापा सेइंग, कोको कोको पापा के पास जा रहा है, नहीं पापा डाल देंगे पापा यहाँ बैठने की, ठीक है छाती पे चढ़ के मुंह डाल।